हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सेम और आलू की सब्ज़ी। ये मैंने सेम की फलियाँ अच्छे से धो ली हैं और उनको काट लिया है, और ये आलू भी मैंने धो के काट लिए हैं, और ये मैंने दो हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन छोटा छोटा करके काट लिया है। अब मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल, सरसों के तेल में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। अब थोड़ी देर तेल को गर्म होने देते हैं जब तक कि इसमें से धुआं ना निकले। अब ये तेल गर्म हो गया है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो मैं गैस बंद कर देती हूँ, और मैं इसमें डालूँगी जीरा और राई। मैंने गैस को ऑन कर दिया है और ये देखिए जीरा और राई हो गए हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ दो कटी हुई हरी मिर्च। मैंने गैस की फ्लेम कम कर दी है। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। और गैस की फ्लेम में कर देती हूँ कम। ये हो गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ आलू। अब आलू को मैं थोड़ी देर होने देती हूँ ताकि ये हल्के हल्के से पक जाए। अब मैं इसमें लगा देती हूँ ढक्कन कि थोड़ी देर ये पक जाए। आलू हमारे थोड़े थोड़े गल चुके हैं, तो मैं अब इसमें डालती हूँ थोड़ी सी हल्दी और नमक। आलू को मैंने पहले इसीलिए डाला है कि थोड़े गल जाएं, बीच बीच में इसे हिलाते रहना है। और ढक्कन देके अभी मैं इसे थोड़ी देर और पका लूँगी। अब मैं ढक्कन हटा के देखती हूँ। आलू हमारे थोड़े हो चुके हैं, अब मैं इसमें डालूंगी सेम की फलियां। ये सब्जी सूखी बनती है और रोटी और परांठे के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। देखो इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखो कितना अच्छा इसका कलर आया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं इसमें थोड़ी देर ढक्कन लगा देती हूँ और थोड़ा सा इनको और होने देती हूँ
की सेम की फलियां पक जाए। ढक्कन हटा के देखते हैं। देखो हमारी सब्जी रेडी हो गई है। आपको कैसी लग रही है? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ गई तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। बाय।